तो हेलो गाइज, मेरा नाम है मयंक। तो स्वागत है आपका एक और GTA 5 की वीडियो में। तो गाइज यार, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो अगर आपने लास्ट वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग एक बंदे को किडनैप कर लेकर आए थे, और ये था वो बंदा जो अपने साथ रेस लगा रहा था। और एक बात मैं आपको बताऊं, ये बंदा है पुलिस में से। तो चलो गाइज यार, जो आप इसके पीछे जेट पैक देख रहे होगे, इसके बीच में हमने स्टिकी बॉम्ब लगा दिया है, और वो मैं आपको बताता हूं कि हमने ये काम क्यों करा है। तो सबसे पहले ना, इसको हम लोग मार देते हैं और अपनी कुल्हाड़ी निकालता हूं और रख करना इसके मैं बजा देता हूं यहां पर। तो चलो गाइस, अब जल्दी से बजाते हैं इसके हम लोग अपनी एक्स को। तो चल निकल यहां से। और जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो ना भाई, ये बंदे की डेड बॉडी उस तरह चिपक चुकी है, और यहां पर भाई ये पूरा बंदा ही ब्लास्ट हो चुका है। और अब मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यार हम लोग इससे एक चीज पूछने गए थे और ये तो तब बता नहीं रहा था, तो अपने को इसको किडनैप करना पड़ा। और उसके बाद गाइस इसने अन्ना को सब कुछ बता दिया है कि अपने को ना गाइस यार एक चीज चाहिए होगी, और वो अन्ना भी अपने को बताएगा। और एक बार मैं इसको देख लेता हूं अपने बिनोकुलर से, कहीं पता चले कि उतर के भाई भाग चुका है। वैसे कोई चांस तो था नहीं, मत्थे पे उसके हमने एक्स बजा दिया है, और बाकी जो उसका रॉकेट था वो भी हमने इस टाइम पर पूरा ब्लास्ट कर दिया। तो गाइस यार, वीडियो पे नहीं हो तो जल्दी से लाइक ठोको, लाइक है मैं पूरे 10,000 लाइक का। चैनल पर उन चैनल को बिना जरूर से सब्सक्राइब कर लो। 160K के इनसेन फैमिली के बहुत है क्लोज, तो जल्दी से ना सब्सक्राइब करके कंप्लीट करा दो। और इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, उस पे भी जाके फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो गाइस यार, यहां पर ये जो अन्ना है, इसने अपने को बोला कि माइकल और क्रिमिनल, तुम्हें एक काम मैंने सौंपा है और तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। और यार अब ये ऐसा काम है कि तुम्हें एक डायनासोर की हड्डी चाहिए होगी। हां गाइस यार, आप भी सोच रहे कि डायनासोर वो तो कब के मर चुके, अब हम टाइम मशीन में बैठ के थोड़ी पुराने जमाने में जाएंगे। तो मैंने वही बोला। तो ये कह रहा है कि एक यहां पर म्यूजियम है, तो अपने को ना गाइस यार वहां जाकर एक बोन चुरानी होगी डायनासोर की हड्डी की, मतलब यार एक हड्डी चुरानी होगी। और सबसे पहले अपने को ना म्यूजियम में एंटर होने के लिए टिकट बुक करानी पड़ेगी, और यहां पर अपना क्रिमिनल भाई टिकट ऑनलाइन बुक करवा रहा है दो बंदों की। और देखते हैं गाइस यार, अगर सिक्योरिटी वहां पर ना हुई तो हम लोग वो बोन तो जाकर ले आएंगे आराम से। और मुझे नहीं पता गाइस यार अन्ना को क्या काम है, बस वो इतना कह रहा है कि अगर वो बोन मिल जाएगी और एक सामान मुझे और मिल जाएगा तो मैं गायब हो सकता हूं। तो गाइस यार, अब मुझे सारी बात यहां पर क्लियर हो चुकी है। तो मैंने क्रिमिनल से पूछा कि क्या सीन है, तो ये कह रहा है जो तेरा फ्रेंड लेस्टर था, उसने भी यही काम के लिए मुझे पकड़ा था, क्योंकि यार बोन के बारे में तो मुझे भी पता था, पर ये नहीं पता था कि वो अपने को मिलेगी कहां पर। और वो ऐसी चीज है, अगर हम लोग एक बोन डायनासोर की और कोई दूसरा एक और चीज है उसको मिक्स करके हम लोग एक लिक्विड बनाएंगे, एक स्पेल बनाएंगे, तो वो तगड़ी स्पेल होगी। हम लोग गायब हो सकते हैं, कोई भी क्राइम करके लॉस सैंटोस में छिप सकते हैं बहुत ज्यादा दिनों के लिए या कई सालों के लिए। तो ये अगर अन्ना को मिल जाएगी तो सोच रहे हो गाइस यार वो क्या ही हंगामा मचा देगा। एक तो पहली गाइस इतनी ज्यादा पावर अपने में, और ऊपर से तो और भी ज्यादा पावर अपने को हो जाएगी। तो मैं तो सोच रहा हूं कि वो स्पेल बना के ना मैं अपने पास ही रख लेता हूं, और यहां पर भाई जो भी रोल्स रॉयस लेकर आया था ना अभी ठुका होता, और जो मेरी टायर्स हुआ वो भी ठुकी होती, और फिर उतर के जो मैं उसको रख के ठोकता ना, तो आप भी देखते गाइस। तो चलो यार, इस टाइम हम लोग लेट हो रहे हैं। सबसे पहले ना अपने को ये जो क्रिमिनल है, एक तो इसके मुंह पे आपने देखा होगा भाई साहब ने क्या टैटू छपा रखा है, पहले तो इसको ढकना पड़ेगा। और जो क्रिमिनल के कपड़े हैं इनको बदलना पड़ेगा, तो उसके लिए अपने को ना क्लोथ की शॉप पर जाना है। तो चलो गाइस यार, हम लोग ना क्लोथ्स की शॉप पर तो पहुंच चुके हैं, अब देखना पड़ेगा कि क्रिमिनल को कैसे क्लोथ सूट करेंगे, वो भी जचे भाई, एक तो पहले ही गुंडा है और कहीं यार और बेकार से लगने लग जाए कोट पैंट डाल कर ही। तो चलो गाइस यार, वैसे माइकल पे ना जो कोट पैंट जचता है और तो नहीं, मुझे लगता है कि किसी पे भी जचता होगा लॉस सैंटोस में। चल बेटा जल्दी से ना मेरे पीछे आ जा, एक तो जो इसका टैटू है ये ना पुलिस को पहचान है कि एक जो क्रिमिनल है वो जेल से भागा हुआ है यार, हम ही इसको लेकर आए थे उस दिन छुड़ाकर, तब से पुलिस का इसके पास से नामो निशान हट चुका है। और आंटी जी यहाँ पर खड़े, तो कपड़े दो अपने को जल्दी से। ओके, तो गाइस यार यहाँ पर ना क्रिमिनल ने कोट पैंट डाल लिया है रेड रंग का, और मुंह पर भी इसने मास्क लगा लिया है। वैसे अब इतना तो पता नहीं चल रहा, जिसका टैटू थोड़ा सा तो छिप चुका है। तो चलो, हमने पेमेंट वगैरह भी आंटी जी को कर दिया है, अब जल्दी से ना अपने को चलना चाहिए म्यूजियम पे, क्योंकि वहां का ना जो म्यूजियम का टाइम है शाम के 6 बजे वो क्लोज हो जाता है। और एक सेकेंड, ये लेडीज खड़ी है, जेंट्स खड़ा, और साथ में भाई डॉगी को बिठा रखा है इन्होंने, क्या तीनों ने कपड़े लेने का, तीनों ऐसा लग रहा है जैसे अभी रॉबरी करके जितने भी कपड़े लेकर भाग जाएंगे। वैसे डॉग तो ही पाएगा उनके कपड़े, तो चलो सही है भाई, जो मर्जी चिल करने दो उनको। हम लोग निकलते हैं सीधा शोरूम की तरफ, और यार गाड़ी का मेन चक्कर पड़ेगा, इसको पार करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस यार हम लोग शोरूम में तो पहुंच चुके हैं, और सामने की तरफ है वो बड़ा सा शोरूम। सबसे पहले अपनी गाड़ी को ना मैं एक ऐसी लोकेशन पर पार्क कर देता हूं जहां पर हम लोग उसको चुरा कर, अगर अपने पीछे सिक्योरिटी भी पड़ जाए ना तो हम लोग अपनी गाड़ी को इमरजेंसी स्पॉट से लेकर भाग जाएं। तो चलो गाइस, अब जल्दी से ना अपने को एक लोकेशन चाहिए होगी जहां पर अपनी गाड़ी पूरी सेफ रहे, और म्यूजियम के क्लोज तो मैं बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं इसको खड़ाऊंगा, क्योंकि अगर पुलिस आई बाई चांस आपको पता है, क्योंकि यार चोरी होगी, अलार्म बजेंगे, पुलिस आएगी, तो यार अगर उन्होंने अपनी गाड़ी देख ली तो और दिक्कत हो जाएगी। तो जल्दी से ना पहले मैं अपनी गाड़ी की पहले लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर खड़ा दूँ, क्या कहते हो गाइस? यार ये पार्किंग मुझे सही लग रही है, तो एक बार ना इसके अंदर लेकर चलते हैं और यहाँ पर ही खड़ा देते हैं। और बेटा सेफ रहना गाड़ी यार, लॉक वगैरह मैं लगा कर पूरी जा रहा हूँ, और कहीं पता चले कि लॉस एंजेलिस में हम लोग पुलिस से डर रहे हैं और कोई और ही इसको लेकर फरार हो गया। वैसे ऐसे नहीं होने वाला, जो टायर्सों का लॉक है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त वाला लुक होता है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपने को चलना चाहिए सीधा म्यूजियम के अंदर। और चाहे मैंने इससे पूछा कि हम लोग जाएंगे तो कैसे जाएंगे, और ये कह रहा है हम लोग मेन गेट से बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। तो मैंने बोला यार फिर तूने टिकट क्यों बुक कराई? कह रहा वो टिकट मैंने तब बुक कराई है अगर अपने को कोई अंदर पकड़ लेता है, तो हम लोग उसको टिकट दिखा सकते हैं कि हम लोग गलती से घूमते घूमते आ चुके हैं, पर हम लोग बिल्कुल पब्लिक के सामने से नहीं जाने वाले। तो अपने को ना यहाँ पर एक टेररिस्ट पर जाना पड़ेगा, मतलब एक छत होगी यार यहाँ पर, और उसके ऊपर से हम लोग अंदर की तरफ एंटर हो सकते हैं। वैसे यार क्रिमिनल अपने को बता रहा है और ये कह रहा है कि मैं एक बार पहले भी आया था ट्राई करने के लिए, पर यार मुझे ना ना डायनासोर दिखा ना बोन दिखी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, फिर मैं वापस आ गया। और उसी समय यार जब मैं आ रहा था तो पुलिस इसको किडनैप कर कर लेकर जा चुकी थी। तो ये सीन था गाइस यार क्रिमिनल की किडनैपिंग का पुलिस से। और भाई ढक्का ना भी जा, देख रहे हो नीचे की तरफ ही पता नहीं कहाँ घास में घूमता जा रहा है, और मैं इतनी अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ तो आ गया हूँ। अब जल्दी से ना गाइस अपने को एंटर होना पड़ेगा और कोई जगह मिल जाए बस एक बार अंदर जाने के लिए, और बेटा आ जाए यार। तो चलो यार फाइनली ये भी आ चुका है और अपने को ना गाइस इसके अंदर चलना पड़ेगा, और इसके अंदर से एक चिमनी का रास्ता हम लोग सीधा बेसमेंट में जा सकते हैं। तो जल्दी से ना चम करके हम दोनों चलते। तो चलो गाइज यार हम लोग आ चुके हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पर भाई तू देख रहे हो ना आप चिमनी का रास्ता सीधा ऊपर से हमने जंप करी है, और भाई गिरते पड़ते सीधा नीचे की तरफ फाइनली हम लोग आ चुके हैं। अब जल्दी से ना अपने को अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि हम लोग बेसमेंट में हैं, और भाई यार जिसका डर था सिक्योरिटी सामने की तरफ खड़ी है। और क्रिमिनल बेटा मैं पहले ही कह रहा हूँ अगर अपने गोली लगी तो हम दोनों की लाशें यहाँ पर मिलेंगी, और यार अपने को ना इनसे अलर्ट रहना पड़ेगा और अपने को फायरिंग भी नहीं करनी है, जब मौका मिले तभी करनी है। तो चलो गाइस अब चलते हैं ना इसके बजाते, और यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा है इसको उठा के इसी के बीच में डाल दूंगा, पैक कर यहीं पर रख देंगे। तो एक को तो हमने यहाँ पर निपटा दिया, अब कोई भी नहीं है मुझे लग रहा। और भाई यहाँ पर तो और भी ज्यादा बंदे, और ये जो क्रिमिनल है भाई कहाँ पर देख रहा है? मुझे तो लग रहा था कि कोई भी बंदे नहीं है यहाँ पर, सब कुछ हमने क्लियर कर दिया। और बेटा जल्दी से मार, तू भी देख क्या रहा है अपनी शक्ल को। तो चलो यार अब जल्दी से ना इनको खत्म करना पड़ेगा। और एक काम सही है यार, ये जो सिक्योरिटी है ना सस्ती सिक्योरिटी है, इतने वेपन वगैरह इतने तो क्या वेपन है ही नहीं है भाई, डंडा तक नहीं है इनके पास। अब जल्दी से ना मेरे से और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, पिस्टल निकालता हूँ बजाता हूँ सीधा इनके, निकल यहाँ से, और तू बेटा तू भी निकल। तो चलो गाइस यार सप्रेसर वाली पिस्टल है अपनी, और यहाँ पर ना हमने इनको बचा दिया। इसको देखो भाई हेलिन ना सेल खेल रहा है मेरे साथ कि केज बाहर की तरफ जंप करके जीत जाएगा। तो चलो यार अब जल्दी से ना इसको बस कर यार, मरे हुए बंदे को ऐसा तड़पा कर मार रहा है जैसे इसने सबको मारा होता है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अपने को बाहर की तरफ निकलना चाहिए, और यहाँ से अपने को ना पूरा नॉर्मल बिहेव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता। उस सामने की तरफ देख रहे हो कितने बड़े बड़े स्टैचू हैं, और ये भी एक डायनासोर का स्टैचू है, तो इसका नाम मुझे लग रहा है कि ट्राइनोसोरस होगा, और इसको हम लोग रेक्स भी बोलते हैं। और हाँ गाइस यार तुम्हारे भाई को इतना नॉलेज है और पता है, और सामने की तरफ यहाँ पर बंदे तो बहुत ही ज्यादा हैं। और अगर अपने पास अब कोई पूछने आया कि तुम लोग बिना एंट्री के कैसे आ गए, तो हम लोग अब टिकट दिखा सकते हैं। और ये जो क्रिमिनल लगाइज यार इसके पास तो दिमाग ही बहुत ज्यादा है। उस सामने की तरफ एक और स्टैचू है, स्टैचू नहीं है गाइज यार यहाँ पर, ये असली है कि नकली है मुझे ये नहीं समझ आ रहा, पर ये भी एक डायनासोरस है। तो चलो यार यहाँ पर भाई सिक्योरिटी वाला, तो जल्दी से ना इसके पास से निकलो यहाँ से, कहीं गंजा अपने को जकड़ ले बस यहाँ से। तो चलो गाइज अब जल्दी से ना हम लोग आगे की तरफ चल के चेक करते हैं कि अपने को एक छोटी सी बोन ये डायनासोर की, और वो अपने को कहां से मिलेगी। और नीचे और ऊपर दो रास्ते हैं, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं। नीचे तो देख रहे हो म्यूजियम है, जो सही में यार तगड़ा म्यूजियम है, और ऊपर की तरफ एक और मूर्ति रख रखी है, और ऐसा लग रहा है कि मैं इजिप्ट में आ चुका हूं। कभी कभी तो गाइस यार मेरा मन ऐसा करता है कि माइकल की फैमिली को लेकर जाऊं सीधा इजिप्ट की ट्रिप पे। तो आप बताओ गाइस यार अपने को क्या करना चाहिए? अभी नहीं, ऐसा किस्सा खत्म हो जाए तब पक्का प्लान हम लोग बनाएंगे जाने का। तो चलो यार ऊपर की तरफ मैं पूरा सर्च कर रहा हूं, और जो क्रिमिनल है वो पहले नीचे की तरफ गया और फिर वापस से ऊपर की तरफ आके सब कुछ सर्च कर रहा है, और उसको भी अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और ये जो म्यूजियम है यहाँ पर ना आधी चीजें इन्होंने पर्दे के बीच में ढक कर छुपा रखी हैं, और शायद से अभी ना बंद होने वाला म्यूजियम, तो अपने को ना जल्दी करनी पड़ेगी, और वो है ना जल्दी से ढूंढना पड़ेगा उस बोन को। और भाई क्रिमिनल सामने की तरफ ढूंढ के पागल हो चुका है, और मैं यहाँ पर ढूंढ ढूंढ के पागल हो चुका हूँ चीजों को। तो चलो गाइस, और यहाँ पर
कुछ ग्लासेस हैं ये भी खाली हैं, तो जल्दी से ना अपने को ना नीचे की तरफ चलना चाहिए। और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, किस जगह का मैप है भाई ये, मैं भी तो जरा देखूँ यहाँ पर। अच्छा मैप नहीं है, कोई कोई पिक्चर बनी हुई है, मुझे लगा कि मैप होगा। तो चलो गाइज अब जल्दी से ना अपने को नीचे की तरफ चलना चाहिए। और ऊपर तो गाइज मुझे तो अभी तक तो कुछ भी नहीं दिखा है। और यहाँ पर एक कैनन भाई, ये तो भी पेंटिंग है और ये अलग ही यहाँ पर लगा हुआ है कुछ ना कुछ लिखने में। तो चलो गाइज अब जल्दी से ना चलते हैं सीधा नीचे की तरफ, और वहाँ पर ना शायद से अपने को कुछ मिल सकता है, क्योंकि अभी तक ऊपर की तरफ तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आया। और ये क्या चीज़ है भाई, एक बार यहाँ पर भी नज़र मार लेते हैं। तो ये तो नीचे का ही रास्ता है यार, तो जल्दी से ना क्रिमिनल भाई आ भी जा। एक तो क्रिमिनल इतना ज़्यादा सुस्त बंदा है ना, बहुत ही ज़्यादा दुखी कर रहा है, कब से पीछे रह जा रहा है और मैं इतनी ज़्यादा आगे जा रहा हूँ और भाई साहब पीछे ही रहता है। चलो गाइस अब जल्दी से ना इस वाले डोर से नीचे की तरफ चलते हैं, और मुझे लग रहा है कि पक्का यहाँ पर कुछ मिलेगा अपने को। और जल्दी से ये मैं कौन से रूम में आ चुका हूँ, ये तो शायद से मैनेजमेंट का रूम है, यहाँ पर सफाई वगैरह जो करते हैं सारे वर्कर हैं यहाँ पर। तो यार यहाँ पर तो मैं गलत ही आ चुका हूँ, तो एक बार इनसे पूछूँ क्या कहते हो गाइस यार इस वाले बंदे से। नहीं भाई यहाँ पर शक भी हो सकता है। तो जल्दी से गाइस यार यहां पर झाड़ू वगैरह देखकर मेरा सर दुख चुका है, अब चलते हैं बाहर की तरफ। और ये जो क्रिमिनल है अपने को कह रहा है अगर अपने को इस म्यूजियम में कहीं डायनासोर की बोन नहीं दिखी, क्या पता चलता है वो जो बड़ा वाला डायनासोर है उसकी बोन अपने को लेनी हो। तो गाइस इतना तो मेरे दिमाग में ही नहीं आया, तो यहां पर ये बोन नहीं चाहिए। तो जो अन्ना उसने बोला था कि बड़ा डायनासोर है उसकी बोन अपने को चाहिए होगी। तो चलो गाइस अब एक काम करना पड़ेगा, यहां पर अपने को ना चाहते हुए भी पिस्टल निकाल कर बजाना पड़ेगा किसी को। तो चल बेटा यहाँ पर तू निकल ले। करो गाइस यार यहाँ पर जितने भी बंदे थे सारे डर कर भागने लग चुके हैं। अब यार मैं इनको मारूं तो क्या करूं, छोड़ो गाइस अभी इनको नहीं मारेंगे, अब जल्दी से ना अपना जो काम है हम लोग वो करते हैं। ये जो डायनासोर का स्टैचू है इसकी जो बोन है जल्दी से ना निकाल लेते हैं, कोई भी एक बोन चाहिए। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना अंदर की तरफ जंप कर क्रिमिनल आ भी जाए यार, निकाल इसको। तो चलो यार यहाँ पर ये आ तो चुका है, और भाई पहले डर रहा था कह रहा ये जिंदा होकर कहीं मार ही ना दे, तो मैंने बोला बेटा चल यहाँ पर बैठने तो तेरे पिस्टल बजा दूं मैं। तो अपने को भी गाइस यार मास्क वगैरह डालकर अब निकलना चाहिए, बोन तो अपने को मिल चुकी है। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो ना जो स्टैचू है हमने उसकी एक बोन निकाली है और पूरा का पूरा स्टैचू ही नीचे की तरफ गिर चुका है। तो फाइनली ना हम लोग बच कर तो भाग चुके हैं, और जो क्रिमिनल है भाई पूरा कांप ही चुका था, वैसे तो बहुत ही ज्यादा बहादुर है, पता नहीं कैसे डर गया। तो चलो यार हम लोग बाहर की तरफ अब फाइनली आ चुके हैं, और जो पुलिस है पता नहीं किसने इन्फॉर्म कर दिया पुलिस को, और जितने भी हेलीकॉप्टर हैं और जितनी भी पुलिस की गाड़ियां हैं यहाँ पर 5 स्टार की पुलिस पीछे लग चुकी हैं। तो अब अपने को क्या करना चाहिए, शुक्र करो गाइस यार हमने ना म्यूजियम के क्लोज अपने लैम्बोर्गिनी टायरों को पार्क नहीं करा था। अब जल्दी से क्रिमिनल जल्दी से ना इनका ध्यान इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर, और मैं गाड़ी को लेकर आता हूँ। और सबसे अरे भाई मैं क्यों कंध के बीच में घुसता जा रहा हूँ, दीवार है मैं भी देख रहा हूँ मैं पीछे की तरफ जा क्यों नहीं पा रहा, भाई लगा ही हुआ हूँ दीवार में घुसने के लिए मैं। और ये हेलीकॉप्टर वाला तो सोच रहा है जैसे आज अपने को मार ही देगा, तो बेटा इतना आसान नहीं है माइकल को मारना। और यहाँ पर यार अपने पास AK-47 है, और जो इसका रिकॉइल है ना भाई पूरा आसमान तक जाता है, तो उसको मैं वेस्ट नहीं करने वाला। जितनी भी अपने पास एमओ है ना, तो सबसे पहले हम लोग अपनी गाड़ी को उठाते हैं, और गाड़ी की लोकेशन के क्लोज तो आ चुका हूँ। तो चलो गाइस जब जल्दी से चलता हूँ इसमें बैठ के क्रिमिनल की लोकेशन पर, और क्रिमिनल को लेके जाऊँ कि छोड़ दूँ, मन तो कर रहा है छोड़ जाऊँ पर नहीं गाइस यार वो अपना साथ दे रहा है तो उसको तो लेकर जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर ये नॉर्मल पीपल भी ना अलग ही चुल में है, इधर इतनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है भाई साहब इधर उधर जाते जा रहा है। तो चल बेटा बैठ यहाँ पर, अरे भाई डर मत तुझे नहीं कुचल रहा मैं। ओके तो गाइस यार यहाँ पर ना क्रिमिनल आ चुका है अपने साथ, और यहाँ पर अपने को अब जल्दी से भागना पड़ेगा। और जितने भी पुलिस वाले इस टाइम पर अपने को देख रहे हो, जो गाड़ी की नंबर प्लेट देख रहे हैं, इस टाइम ना जल्दी से हम लोग इनको ख़त्म करते हैं, और भाई यहाँ से सीधा निकलते हैं अन्ना के घर की लोकेशन की तरफ। पर अगर अभी हम लोग अन्ना के घर पर जाएंगे तो आपको भी पता जो पुलिस है ये पीछा बिल्कुल भी अपना नहीं छोड़ रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। तो जल्दी से पहले इनसे एस्केप होना पड़ेगा, और फिर जो ये बोन है अपने पास डायनासोर की इसको अपने को अन्ना को गिफ्ट करना। गिफ्ट तो क्या करना भाई, मेरा दिमाग भी ना चकरा जाता है। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना यहाँ से इसको जंप कराते हैं, और कोई रास्ता तो मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा था, और यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि मैं गलती कर चुका हूँ भाई, आगे की तरफ भी सारा कुछ बंद है। और यहाँ पर ना राइट में मुझे एक रास्ता तो नजर आ चुका है, अब जल्दी से ना भगाता हूँ मैं गाड़ी को यहाँ से। और भाई तो पुलिस भी ना 5 स्टार की ना पीछे हटती नहीं है, आपने भी देखा होगा जो 5 स्टार पुलिस है बिल्कुल भी नहीं हटती है। तो जल्दी से उतर के इनको हटाते हैं, और ये लैम्बोर्गिनी टायरों में वो गलत तरीके से उतरा जिस करके पूरी
आधी गाड़ी उचल चुकी थी। तो चलो गाइस, एक आधी गाड़ी इस टाइम पर हम लोग ब्लास्ट कर कर जाएंगे, और अगर हम लोग ऐसे जाते रहेंगे ना, जो पुलिस की गाड़ी है, जो हेलीकॉप्टर है, ये लोग अपना पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर मैंने 4-5 गाड़ियों को तो यहाँ पर रोक लिया है, और जो पुलिस, इसको देखो भाई, डंडा लेकर जैसे मार ही लेगा। सामने AK-47 है बेटा, मजाक थोड़ी है कि डंडा लेकर तो मार ही लेगा। और यहाँ पर गाइस इतनी ज्यादा पुलिस है, अब इनको भी खत्म करना पड़ेगा। उस सामने की तरफ स्टिकी बॉम्ब फेंकते हैं जो अपने को अन्ना ने दिए थे। अब करते हैं यहाँ पर ब्लास्ट। ओके तो गाइस यहाँ पर ना 4-5 गाड़ियाँ तो ब्लास्ट कर दी हैं, और बाकी ये जो बंदे हैं इनके AK-47 बजा दिया है, और अब तो स्वैट टीम भी आनी शुरू हो चुकी है। बस यार मिलिट्री से डर लगता है, क्योंकि जब मिलिट्री आती है वो लोग टैंक लेकर आते हैं, पूरे यार गाड़ियाँ लेकर आते हैं, ट्रक लेकर आते हैं, जीप लेकर आते हैं, और कार्गो प्लेन में मिसाइल्स भी होती हैं। तो गाइस उनके जो वेपन है नॉर्मल पुलिस से बहुत ही खतरनाक है, होंगे भी क्यों नहीं गाइस, अब है ही मिलिट्री। तो जल्दी से ना अब अपने को यहाँ से चलना चाहिए। एक तो यार क्रिमिनल भी इतना ज़्यादा लेट चलता है ना कि क्या बताऊं मैं। अब जल्दी से पुलिस से मुझे एस्केप होना ही पड़ेगा, तो भगाते हैं गाड़ी को, तब तक नहीं रुकूंगा जब तक पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ देती। ओके तो गाइस यार यहाँ पर ना फाइनली हम लोग पुलिस से बचकर तो आ चुके हैं, और एक सेकंड गाइस यार ये क्या सीन हो रहा है। तो जल्दी से अपने को मोड़नी पड़ेगी अपनी गाड़ी, और यहाँ पर तो भाई मिलिट्री का कर्नल आ चुका है। और ये कर्नल कैसे बन गया, ये तो प्रेसिडेंट था। और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंस चुका हूँ, और ये लोग कह रहे हैं कि दोनों के दोनों बाहर आओ, और कौन हो तुम लोग। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना भाई, पता नहीं कब हेलीकॉप्टर आया और अपने को उठाकर लेकर जा रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये लोग पुलिस वाले नई टेक्नोलॉजी लेकर आ चुके हैं। पर देखने में ये पुलिस वाले भी मुझे नहीं लग रहे हैं, पता नहीं गाइस यार कौन है। और एक सेकंड यार देखने की मैं ट्राई करता हूँ, और पीछे की तरफ यार जो पुलिस है वो पीछे पड़ चुकी है, और यहाँ पर ये तो अन्ना निकला भाई, इसने अपनी जान बचा ली। सही है भाई, अन्ना आ चुका है, और इसने ना पुलिस के सामने से अपने को उठा लिया। और मैं बताता हूँ, अपने पास डायनासोर की हड्डी है जिस करके उसने अपने को बचाया, और मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर हड्डी नहीं होती फिर ये भी सोचता कि यार इनको क्या ही फायदा बचाकर। तो चलो सही है भाई, अन्ना ने इस टाइम पर बचा लिया, मजा ही आ गया। और एक सेकंड भाई प्रिजन है नीचे का, ये प्रिजन में ले जाकर पटक दे, और हम लोग सोचे कि इसने अपने को बचाया है, और ये अपने को पटक कर यहाँ से हंसता चले। और नीचे की तरफ भी पानी है सर, यहाँ पर मत छोड़ देना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आपकी हड्डी भी जाएगी और यार हम भी जाएंगे। तो चलो गाइस अब जल्दी से ये अपने को माउंट चिलियाड के साइड तो लेकर जा रहा है, और वैसे यार अन्ना ओपी है भाई, मान गया मैं अन्ना को। तो जल्दी से ना हम लोग भी चलते हैं, और देखते हैं पुलिस कब हटेगी। तो गाइस यार यहाँ पर ना हम लोग फाइनली अन्ना के घर पर आ चुके हैं, और ये कह रहा है कि यार अब जल्दी से ना तुम लोग अपनी गाड़ी को आगे कर लेना, उतार रहा है अपने को। तो चलो गाइस यहाँ पर इसने हुक को खोल दिया, अब जल्दी से हमने अपनी गाड़ी पीछे कर लिया है, और यहीं पर भाई रोक ही देता हूँ मैं, क्या इसको बाहर निकालने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ, और कहाँ से निकालूंगा मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा। अन्ना यार इसको बाहर निकलवा, मुझे नहीं पता यार यहाँ तो कोई गेट ही नहीं है। ओके तो गाइस यार हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर लैंड हो चुका है, सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं, क्रिमिनल भी इस टाइम पर पूरा सही है, जो अन्ना भी इस टाइम पर मुझे खुश लग रहा है, जिसका फेस है भाई हंसता ही जा रहा है, और ये कह रहा है कि मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने बोला सर यार आपका काम मैं और क्रिमिनल करने गए थे, तो पक्का ही हो चुका है तुम्हारा काम। तो अब जल्दी से इसको देते हैं बैग, और यहाँ पर ना अपने को यार क्यों कॉल आ रहा है भाई, यार अपने को ना कब से उसका फ़ोन आ रहा है जो अपना पार्टनर था, आपको याद होगा गाड़ी वाला, और वो कह रहा है कि जल्दी से माइकल मेरे पास आ। तो मैंने बोला क्या यार अब तुझे क्या दिक्कत होगी, कह रहा है कि यार डिलीवर करनी है गाड़ी, बहुत ज़्यादा जरूरी है, नवा कस्टमर है, उसकी पहली ड्रीम गाड़ी थी जो हम लेकर आए हैं। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना लेकर चलते हैं अपने टायर को सीधा उसकी लोकेशन पर। अब मुझे नहीं पता गाइस यार वो वाला कौन सा कस्टमर है, अब कहीं बोले कि जाके उसको लिबर्टी सिटी जाके डिलीवर करके आ, यार इतनी दूर ना रात को मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, ऊपर से ट्रेवर फ्रैंकलिन लेस्टर का खतरा है। तो गाइस यार आप समझ ही सकते हो कुछ भी हो सकता गाइस, क्या पता चलता उनका प्लान हो, कुछ भी हो सकता गाइस, ज्यादा मैं जाऊंगा नहीं दूर। तो चलो गाइस यार हम लोग ना क्लोज तो पहुंच चुके हैं उस बंदे की लोकेशन के, और भाई इतनी ज्यादा मैं तेज भगाता हुआ गाड़ी आ रहा हूं ना, तो मुझे ही पता भाई जो इसका एग्जॉस्ट यार किस किस को ओपी लगती है टायर्स, हो जरूर से ना कमेंट करके बताना, और कमेंट का एम है पूरे 800 कमेंट्स का। भाई कमेंट कह रहा हूं, कमेंट मानो कमेंट्स मानो कुछ भी मानो, पर कर देना, एक बंदा एक करना भाई, स्पैम मत करना। तो चलो गाइस हम लोग उस बंदे की लोकेशन पर तो पहुंच चुके हैं, और वो कहां पर होने वाला है, कहीं समुंदर के बीच में तो नहीं डूबा पड़ा, गाड़ी तो उसकी यहीं पर खड़ी है। और भाई साहब अपने को अभी तक भी नजर नहीं आया वो, अब जल्दी, ओ भाई अपने को दिख चुका, अभी मैं उसका कॉल भी नहीं लगा था, और राइट साइड में खड़ा हुआ है। अब जल्दी से यहां पर अकेला क्यों खड़ा भाई, सुसाइड तो नहीं कर रहा, कहीं दुखी हो गया हो सिमियन से। अब इससे पूछते हैं एक बार, क्या हो गया सर बताओ जल्दी से, इतने दुखी क्यों हो।
तो चलो गाइज यहाँ पर कह रहा चुप कर बे, मैं दुखी नहीं हूँ, इस टाइम ना गाड़ी आने वाली है, शिप आ रही है बस, उसके बीच में गाड़ी लोड है और वो तुझे डिलीवर करा कर आनी है, और यहाँ पर देख रही ये जो शिप है आ चुकी है और इसके बीच में गाड़ी आ रही होगी, कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मुड़ रही है भाई, मज़ा आ गया। और इसको भी हम लोग एक बार ड्राइव कर चुके हैं और जो इसके बंदे हैं वो लोग गाड़ी को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं, तो चलो सही है भाई, अब उतार दो और मैं फिर ले जाऊँगा चला कर इसको, क्योंकि अगर कहीं ये कहे कि माइकल खुद ही उतार ले और खुद ही यहाँ से ले जाए तो जगह ही नहीं दिख रही भाई उतारने की, और उतार के लेकर कहाँ से जाऊँगा मैं तो ये भी समझ नहीं आ रहा। तो चलो बेटा आप खुद उतारो और ऊपर की तरफ चाबी इंजन ऑन करके दो, एक बार चल कर देखते हैं कि गाड़ी असल में है कौन सी यार, और जो उतारेंगे ना ये इस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं उतारने वाले, अभी लिफ्ट आएगी वो उठाएगी इनको। तो चलो यार यहाँ पर भाई ये कौन लेता है भाई, कैसी सी गाड़ी है, बिल्कुल बॉक्स बॉक्स सी, आपको सही लग रही है क्या, मुझे तो बिल्कुल, ओ भाई अच्छा विंटेज गाड़ी है क्या, विंटेज गाड़ी जैसी है, पीछे से कुछ और ही लग रहा था और आगे से देख रहा हूँ तो अब थोड़ी सी सही लग रही है, पीछे से सही बताऊँ यार चच मुझे बिल्कुल भी नहीं रही, पर ये टू सीटेड गाड़ी है तो निकालो इसको बाहर जल्दी से। ओके तो गाइस यार हम लोग बाहर की तरफ आ चुके हैं, वो जो गाड़ी इन्होंने बाहर निकाल दिया है और एक लिफ्ट थी गाइस यार यहीं पर और वो उठाकर इसको बाहर की तरफ उसने पटक दिया, अब जल्दी से ना अपने को चलना चाहिए इसको ड्राइव करके। और ये जो पार्टनर है ये कह रहा है कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, उसकी फर्स्ट गाड़ी है और वो अपना कस्टमर भी बन सकता है, और जल्दी से ना इसको लेकर चल यहाँ से, और वो तुझे ऑनलाइन पेमेंट करेगा और उससे पेमेंट भी ले लेना। और इसका ओ भाई गियर है कि क्या सीन है, पूरा टावर बना रखा है बंदे ने, जिसकी भी गाड़ी इन्होंने बनवाई है ना भाई उसकी मॉडिफिकेशन है उसके दिमाग के हिसाब से है। और एक बार इसकी लाइट्स ऑन करते हैं भाई, सही में ऐसी याद मुझे स्कल बाइक की आ रही है। और ये बंदा कह रहा है कि उसने इस गाड़ी के ऊपर 15 या 16 मिलियन डॉलर खर्च दिया है, तो सही है भाई अब थोड़ी सही लग रही है। और इसका एग्जॉस्ट भी सही सही है, अपने लैम्बोर्गिनी टायर तो जैसा बिल्कुल नहीं है पर सही है। तो चल निकल यहाँ से, अब जल्दी से ना अपने को जाना पड़ेगा इसकी डिलीवरी कराने के लिए। और सही है भाई गाड़ी अब सही लग रही है अपने को। तो चलो गाइस ये कह रहा है कि जो काम है पूरे अच्छे तरीके से करना और उसके बीच में मैं तुझे कमीशन दूंगा, तो निकलते हैं यहाँ से। और वो कह रहा है कि आज रात उसको 10 बजे से पहले पहले ये गाड़ी मिलनी चाहिए, तो यार उससे तो हम पहले ही पहुँच जाएंगे, इतनी तो मुझे ड्राइविंग का पता है, और पूरा भगाता जाऊँगा इसको मैं, और तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उसके घर की लोकेशन क्लोज नहीं पहुँच जाता। तो चलो यार इस टाइम तो हम लोग तेज भी भगा सकते हैं क्योंकि जो ट्रैफिक है लॉस एंजेलिस में इस टाइम पर तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो ना भाई रात तो होने वाली है, 9 बज चुके हैं और अपने को लोकेशन कहाँ जानी थी, फ्रैंकलिन के घर के क्लोज, और यहाँ पर तो मुझे लग रहा कि अपने को कोई फ्रैंकलिन ना देख ले क्योंकि ना उसके घर के क्लोज ही घूम रहे हैं हम लोग ये गाड़ी लेकर, और गलती से अगर उसने अपने को देख लिया ना तो पक्का कह रहा हूँ कसम से गाइस यार वो लोग जो अंधे की तरह अटैक करने आएंगे ना रात को भाई, जैसे आपने देखा होगा जो डॉगी बिल्ली के पीछे पड़ता है इस टाइम पर वही हालत होगी सेम, मैं बिल्ली होऊंगा और वो लोग टॉगी होंगे और वो लोग मुझे कच्चा चबा जाएंगे। तो जल्दी से ना इनको मैं इनकी गाड़ी सौंप देता हूँ, तो ऑनलाइन पेमेंट बेक कर दे जल्दी से, इसका जो फादर है ना कुछ भी है तो कर दे। तो चलो गाइस यार इसने अपने को 17 मिलियन डॉलर पे कर दिए हैं और ये कह रहा है कि तुमने 1 घंटे इस गाड़ी को पहले डिलीवर करा दिया, तो सही है हमें लगा था कि तुम्हारी सर्विस बेकार है पर हमने तुम्हें टिप दिया 1 मिलियन डॉलर की, तो बेटा अमीर लग रहे हो, आऊंगा किसी दिन तुम्हारे घर पर डाका ऐसा डालूंगा ना तुम भी रो दोगे। तो चलो गाइस अब जल्दी से ना सामने की तरफ मुझे एक गाड़ी तो नजर आ रही है, हम लोग इस गाड़ी को उठाते हैं और चलते हैं सीधा यहां से बाहर की तरफ क्योंकि यार फ्रैंकलिन का डर है इस टाइम तो, क्योंकि जो वेपन है वो भी अपने पास AK-47 लिमिटेड वेपन है, ज्यादा वेपन भी नहीं है अपने पास तो दिक्कत हो सकती है। तो इसको मैं भगाता हूं और लेकर चलते हैं आगे की तरफ, और गलती से ना यहां से बस अपने को निकल जाना है और कुछ भी हो गाइस यार राइट लेते हैं यहां से, तो सही है भाई राइट वाला रास्ता हमेशा सही है। चलो गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है ना तो वीडियो को जाके लाइक करो, लाइक में पूरे 10,000 लाइक का, चैनल पर नए चैनल को बिना जरूर से सब्सक्राइब कर दो, 1,60,000 की इंडियन फैमिली के बहुत ही क्लोज हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके कर दो भाई आप ही करा सकते हो, और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय यार लव यू ऑल।